नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। विकास की राजनीति के लाख दावे उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दल कर ले, लेकिन यहां की सियासत की तासीर जातिवाद के आगे बढ़ नहीं पा रही। नाना करते हुए सभी दल एक एक करके जातीय सम्मेलन की शुरुआत या तो कर चुके हैं या फिर करने जा रहे हैं, ऐलान हो चुका है। इन दिनों ब्राह्मण वोट बैंक पर सभी दल नजरें जमाए बैठे हैं। सम्मेलन के सहारे सत्ता का समीकरण बनाने में जुटे सियासी दल ये ताल ठोक कर दावा कर रहे हैं कि ब्राह्मण तो हमारे हैं। बीएसपी से शुरुआत हुई, समाजवादी पार्टी ने ऐलान भी कर दिया और अब बीजेपी भी दो कदम आगे बढ़कर 403 विधानसभा सीटों पर सभी समाज के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन आयोजित करने जा रही है और इस कदम को ब्राह्मणों की नाराजगी को दूर करने के लिहाज से भी बताया जा रहा है। लेकिन अब सवाल यह है कि जब सारे दल ब्राह्मणों को अपना बता रहे हैं तो फिर इन सम्मेलन की जरूरत क्या है? और सवाल यह भी है कि इतने सारे दावे के बीच आखिर ब्राह्मण हैं किसके? ये रिपोर्ट आप देखिए, उसके बाद जवाब लेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। इन दिनों यूपी की सियासत में ब्राह्मण केंद्र में है और इसकी वजह है आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव और चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला ब्राह्मण वोट बैंक। ब्राह्मण लॉबिंग पर कहने को तो यूपी में 11 से 12 फीसदी ही ब्राह्मण वोट हैं, लेकिन इस वोट बैंक से कहीं ज्यादा इस वर्ग का दूसरे वोट बैंक पर असर होना मुख्य कारण है। कहा जाता है कि ब्राह्मण भले ही संख्या में सीमित हों लेकिन प्रभाव बड़े स्तर पर करते हैं और ब्राह्मणों के जरिए माहौल बनाने की कवायद भी होती है। खैर, ब्राह्मणों से सत्ता का समीकरण मिलने की उम्मीद है और इसलिए यूपी में कोई दल इस वर्ग को नाराज नहीं करना चाहता। बीएसपी के अयोध्या से शुरू हुए ब्राह्मण सम्मेलन, जिसे प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कहा गया, इसके बाद बलिया से समाजवादी पार्टी के होने जा रहे ब्राह्मण सम्मेलन के जवाब में अब भारतीय जनता पार्टी ने भी सम्मेलन का प्लान बना लिया है, लेकिन बीजेपी विपक्षी दलों से दो कदम आगे है। गिने चुने जिलों की जगह बीजेपी ने प्रदेश भर की 403 विधानसभा सीट पर प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का ऐलान कर दिया है। लखनऊ में पार्टी मुख्यालय पर सभी 26 विभागों और 22 प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और महामंत्री संगठन सुनील बंसल ने 2022 के चुनाव को लेकर रोड मैप तय किया है। देखिए, राजनीति कोई भी दल कर सकता है ट्विटर के माध्यम से, लेकिन जो जमीन पे राजनीति करता है चुनाव में उसी को समर्थन मिलता है। हमारा एक एक कार्यकर्ता जीवन दांव पर लगा करके जनता की सेवा में कठिन समय में भी और सामान्य समय में भी लगा रहता है। इसलिए सपा बसपा कांग्रेस की तिकड़ी भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ जो 2014 से चला है उसे 2022 या 2024 में रोक नहीं पाएगी। भारतीय जनता पार्टी परंपरागत तौर पर प्रबुद्ध समाज के साथ हमेशा संवाद की परंपरा को बढ़ाती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रबुद्ध वर्ग कोई जाति नहीं है। समाज में जो भी अगुआ है, नेतृत्व करने वाला है, समाज को दिशा देने वाला है, वो सारा प्रबुद्ध वर्ग, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी हमेशा संवाद करती है। उधर मायावती ने इस पर निशाना साधा है। मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि 23 जुलाई से शुरू हुआ ब्राह्मण सम्मेलन सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है, जिससे विपक्षियों की नींद उड़ गई है और इसे रोकने के लिए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। तो वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने कहा कि ब्राह्मण हमेशा से समाजवादी पार्टी के साथ रहा है। ब्राह्मण लोगों का आशीर्वाद सबसे पहले अखिलेश जी को मिल चुका है और ब्राह्मण का दिया हुआ आशीर्वाद कभी वापस नहीं लौटता। हमारा तो आदिकाल से संबंध है, इसलिए कोई भी सम्मेलन करे, इस बार अखिलेश यादव के साथ उत्तर प्रदेश के सभी जाति वर्ग धर्म के लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया है। उधर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी को ब्राह्मणों पर हुए अत्याचार की याद इतने सालों में क्यों नहीं आई, अब जब चुनाव नजदीक आ गया है तो प्रबुद्ध सम्मेलन किए जा रहे हैं। ब्राह्मणों की हत्या करने वाले, ब्राह्मणों को प्रताड़ित करने वालों को खुला संरक्षण दे रहे थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह पर ताले लगे हुए थे। ब्राह्मण समाज को पता है ये बात कि असल में उनका जो परिवार है वो कांग्रेस ही है, जिन्होंने ब्राह्मण को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में 6-6 बार स्थापित किया। कुल मिलाकर ब्राह्मणों के आश्रय सत्ता में आने की उम्मीद सभी दल दिखा रहे हैं और ये भी पूरे जोश से कहा जा रहा है कि ब्राह्मण तो हमारे हैं। अब सवाल यह है कि ब्राह्मणों की घेराबंदी की जो कोशिश हो रही है
क्या उससे ब्राह्मण साथ आएंगे और किसे ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी हाँ, तो सवाल कई सारे हैं कि आशीर्वाद ब्राह्मणों का किसे मिलने जा रहा है। चर्चा की शुरुआत करते हैं, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से हीरो वाजपेयी प्रवक्ता जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मूलचंद गौड़ वरिष्ठ बीएसपी नेता हैं, ये भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आस्था तिवारी प्रवक्ता कांग्रेस की हमारे साथ जुड़ रही हैं, वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कुछ देर में राहुल त्रिपाठी जुड़ेंगे, प्रदेश अध्यक्ष हैं आप अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के। शुरुआत पॉलिटिकल हो उससे पहले समझना यह जरूरी है कि ब्राह्मणों को लेकर जो कवायद हो रही है इसके मायने क्या है, इसलिए विजय उपाध्याय जी आपसे शुरुआत करते हैं। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, सालों से यूपी को देख रहे हैं, यूपी की राजनीति को महसूस करते हैं, जब जब यूपी की राजनीति में अंगड़ाई हुई है, कोई नई तरकीब खोजी गई है, तो उस पर आपने महसूस किया है कि उसकी वजह क्या रही है, और अभी जब ब्राह्मण केंद्र में है यूपी की सियासत में, तो इसके क्या मायने निकाले जाए। देखिए, दरअसल उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक समीकरण है वो समीकरण अब पिछड़ा और दलित से आगे निकल चुका है, क्योंकि पिछड़े वर्ग में वोटों का बंटवारा हो गया, जो अलग अलग समूह हैं, समुदाय हैं, उन्होंने अपने अपने महत्वाकांक्षा के हिसाब से पार्टियों को चुन लिया है। ऐसे ही दलित समुदाय ने किया है कि जो ज्यादा संख्या वाले दलित हैं जाटो समुदाय और जो कम संख्या वाली दलित जातियां हैं उनको चूंकि उतना महत्व तो नहीं मिला जब दलितों की सरकार रही, तो उन्होंने अपने को फिर बदला, नई पार्टियां, नए ठिकाने तलाश लिए। ऐसे में जो अपर कास्ट है या जो जनरल कास्ट है इसकी अहमियत राजनीति में बहुत बढ़ गई। ये बढ़ी 2007 में, पहली बार बसपा ने एक नया प्रयोग किया कि उन्होंने ब्राह्मणों को जोड़ने की कोशिश की 2006-07 में, और 2007 के चुनाव में उसका असर दिखाई दिया, और जो उत्तर प्रदेश की जो रिजर्व सीटें हैं 80 सीटें करीब, तो उन सीटों पर बसपा को बहुत अच्छी कामयाबी मिली, 61 सीटें वहां से जीत के ले आई, कुल 206 सीटें उन्होंने जीता था 2007 में। तो ये चमत्कार हुआ तब जब ब्राह्मण उनके साथ जुड़ गया, और इस बात को बड़ी शिद्दत से पार्टी ने महसूस किया। लेकिन 2009 के बाद से बीएसपी का ब्राह्मणों के प्रति मोह भंग होने लगा, और 2012 तक तो पूरी तरह भंग हो गया था, इसलिए 2012 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी को बहुत ही कम सीटें मिली, टिकट भी उन्होंने कम दिए, और दलित मुस्लिम एकता की बात ज्यादा जोर से बसपा ने किया था, लेकिन वो बात बन नहीं पाई। 12 में सभी लोगों ने, जो फ्लोटिंग वोट होते हैं यानी जो सरकारों से नाराज होते हैं और बेहतर सरकार चुनने के लिए किसी पार्टी को चुनते हैं, किसी पार्टी के साथ जाते हैं, तो वो लोग सपा के साथ गए, लेकिन वहां भी बात उनको समझ में नहीं आई। फिर वो 2017 में बीजेपी के साथ आ गए, और बीजेपी 2014 से शुरू हुआ सिलसिला बीजेपी के साथ जुड़ने का, 14, 17 और 19, 19 में बीजेपी को पूरे 50% तो उपाध्याय जी नाराजगी की खबर है बीजेपी के साथ। अभी तो बीजेपी के साथ ब्राह्मण समाज की नाराजगी की चर्चाएं है ना, इसलिए तो सारी कवायदें की जा रही हैं कि अगर ब्राह्मण बीजेपी से नाराज है तो फिर किस तरफ जाएगा, इसलिए तो ये कोशिशें हो रही हैं कि ब्राह्मण उनके दल में आ जाए या उनके दल में चले जाए। देखिए, एक बाई इलेक्शन देवरिया का है, वहां पे तीनों पार्टियों ने अपने ब्राह्मण प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन जीती बीजेपी। अगर उस सीट पर ब्राह्मणों ने बीजेपी के बजाय दूसरी पार्टी को जिताया होता, वहां ब्राह्मणों का की संख्या काफी ज्यादा है, तो निश्चित तौर पे ये माना जाता है कि ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। लेकिन मोटे तौर पर उत्तर प्रदेश में एक माहौल इस समय है, दो समुदाय ऐसे हैं जिनको लेके सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, एक ब्राह्मण, दूसरे निषाद समुदाय। ठीक है, इस पर चर्चा करेंगे उपाध्याय जी, आपके पास लौटूंगा, निषादों को लेकर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि निषादों को मनाने के लिए भी कवायदें जारी हैं। अभी हाल ही में मूर्ति की एक स्थापना भी हुई थी, उधर वीआईपी के बिहार सरकार में मंत्री हैं, वो भी कवायद लगा कर रहे हैं फूलन देवी की प्रतिमा लगाने को लेकर, उस पर भी चर्चा करेंगे। हीरो वाजपेयी जी, सवाल मेरा आपसे, ब्राह्मण किसके हैं, क्योंकि अब आप भी बीएसपी और समाजवादी पार्टी की तर्ज पर सम्मेलन करने जा रहे हैं, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन होने जा रहा है, और आप तो दो कदम आगे, सभी 403 सीटों पर आगे करेंगे, वो तो गिने चुने हिस्सों पर कर रहे थे। नहीं, देखिए, प्रबुद्ध का अर्थ सिर्फ इसमें एक जाति को जोड़ के न लगा जाए, अपनी अपनी फील्ड के जो
जानकार लोग हैं, विद्वान लोग हैं, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे वकील हो, और चाहे किसी भी वर्ग से आते हो, जो अपने अपने क्षेत्र के स्पेशलिस्ट है, प्रबुद्ध उसको कहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में मेरे ख्याल से 1980 से जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है, प्रबुद्ध प्रकोष्ठ रहा है और इसके सम्मेलन हमेशा होते रहे। कोई नया काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है। हाँ, जहां तक चर्चा इस ब्राह्मण की चल रही है, उसमें मैं कहना चाहता हूं कि लाख चर्चा कर ले, लोगों को चुनाव के दौरान याद आती है, पर ब्राह्मण की विचार और भाजपा की विचारधारा में लगभग सामंजस्य है। और उसी का अर्थ है कि आप जान लीजिए, ब्राह्मण परहितकारी है, लोकहितकारी है, राष्ट्रवादी है, अपने संस्कार संस्कृति का बढ़ाने वाला है। तो ये सोच भारतीय जनता पार्टी की भी है, यही विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की है। और 2014 से जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता के बाद आया कि तमाम दल के राजकुमार मंदिर जाने लगे, तमाम दल में जो लोग कहते थे भगवान का दर्शन नहीं करना है, भजन नहीं करना है, वो भगवान दर्शन में लिप्त हो गए, तमाम लोग भगवान की मूर्ति लगाने लगे, मंदिर निर्माण में बढ़ चढ़ कर बताने लगे, तो राम का अस्तित्व ही नकारते थे, भगवान का अस्तित्व नकारते थे। तो जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हमने चलाया, भारतीय जनता पार्टी को इसमें बहुत अच्छा लगता है कि जब नहीं, भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि ब्राह्मण वोट बैंक की जरूरत भगवान की बात मानना है, उस तरफ यदि दूसरे दल जा रहे हैं हीरो वाजपेयी जी, तो बीजेपी भी उस तरफ सोच रही है। 10 सेकंड में उसके बाद अनुराग भदौरिया जी के पास जाऊंगा। बीजेपी तो देखिए, बीजेपी तो इस तरह जातिवाद की बात ही नहीं करती। हमने तो 2014 से एक ऐसा वोट बैंक क्रिएट किया है जिसका नाम है लाभार्थी, जो सामान्य जनता तक सरकार की योजना आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी ने पहुंचाई है, वो वोट है जिसको उसका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी। यानी कि आप सबकी बात करते हैं और सबके फिर प्रबुद्ध वर्गों का सम्मेलन करके कोशिश करना चाह रहे हैं कि इसका फायदा मिले, ये कोशिश है। तो अनुराग भदौरिया जी, कोशिश में पीछे समाजवादी पार्टी भी नहीं है, वो भी बलिया से सम्मेलन करने जा रही है, लेकिन सवाल यही है कि ब्राह्मण है किसके, क्योंकि दावे सभी दलों के हैं कि ब्राह्मण हमारे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश को सांस्कृतिक और संस्कारिक उत्तर प्रदेश बनाना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी इसको सांप्रदायिक उत्तर प्रदेश बनाना चाहती है। ये हमारी उनमें सोच का फर्क है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश को विकासशील प्रदेश बनाना चाहती है, हर व्यक्ति के हाथ में रोजगार हो, हर व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो, चाहे किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, क्योंकि समाजवादी पार्टी संपूर्ण उत्तर प्रदेश के विकास की बात करती है और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नफरत की राजनीति करती है और नफरत के विकास की बात करती है। जहां तक प्रबुद्ध समाज का है, हम समाजवादी पार्टी लास्ट 3 साल समझ लीजिए, हमने कम से कम 56 जिलों में अब तक प्रबुद्ध समाज के साथ संपर्क करके उनकी मीटिंग भी हो चुकी है। और आपको याद होगा, हम हर समाज का सम्मान करने वाले लोग हैं। अगर अगर आप ब्राह्मण समाज की बात करेंगे तो यहाँ पे परशुराम जी की मूर्ति की चर्चा आपने यहाँ से 1.5-2 साल पहले अपनी डिबेट में की थी, तो ये कब की बात है। ये अब ये जागे हैं क्योंकि इनको लगा कि समाजवादी हर समाज की, संपूर्ण समाज की बात कर रही है, संपूर्ण समाज के विकास की बात कर रही है, परशुराम जी की मूर्ति भी लगा रही है, तब ये बौखलाए, खड़बड़ाए, तब इनको लगा कि उत्तर प्रदेश की जनता चूंकि अब इनको नकार रही है, तो ये उसको जाति धर्म की राजनीति में देने लगे। अरे भैया, ये आज से नहीं हो रहा है, समाजवादी तो 2.5 साल हो गए। लेकिन अनुराग भदौरिया जी, बीएसपी ये कह रही है कि समाजवादी पार्टी जो सारी कवायदे कर रही है ब्राह्मणों को लुभाने के लिए, जो सम्मेलन कर रहा है, सब नौटंकी है। देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, कौन क्या कहता है, कौन दल किससे मिलता है, कौन नेता किससे मीटिंग करता है, ये समाजवादी इसको परवाह नहीं करती। समाजवादी परवाह करती है जनता की, हमें जनता की समस्या का समाधान कैसे हो। हम जनता की परवाह करते थे तभी तो हमारा, बोलते ना, हमारा काम बोलता है। हमने अगर एक्सप्रेसवे बनाया तो डंकी की चोट पे गिनाते हैं, हमने मेट्रो बनाई तो डंकी की चोट पे गिनाते हैं, हमने स्टेडियम और मेडिकल हॉस्पिटल बनाए तो डंकी की चोट पे गिनाते हैं, हमने समाजवादी पेंशन दी 1090 महिला, तो फिर ये जातीय सम्मेलन की जरूरत क्यों है डंकी की चोट पर। अनुराग भदौरिया जी, 10 सेकंड में कंप्लीट करिए। समाज के आपने मेरा शब्द सुना नहीं, सुन लिया समाज, नहीं सुना। समाज के हर वर्ग, हर तबके, चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, अति दलित हो, चाहे किसी जाति धर्म का हो, हम समाजवादी लोग संपूर्ण उत्तर प्रदेश के विकास की बात करते हैं। संपूर्ण में हम इनकी तरह संपूर्ण उत्तर प्रदेश में नफरत का विकास नहीं करते, ठीक है। वो भी संपूर्ण की बात कर रहे हैं, संपूर्ण की बात कर रहे हैं, वो नहीं करते। मूलचंद गौड़ जी, लौट रहा हूँ अनुराग भदौरिया जी। मूलचंद गौड़ जी, शुरुआत बीएसपी ने की और आज मायावती ने ट्वीट भी किया है कि बड़ी सफलता मिल रही है और दूसरे लोग इस सफलता को देखकर उनको नींद उनकी टूट गई है, हड़बड़ा रहे हैं वो, तो बीएसपी को भी तो चुनाव नजदीक आया तो याद आ गई ब्राह्मणों की, इसमें नई बात क्या है। देखिए, सबसे पहले तो एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में
इस समय ब्राह्मण समाज ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के सारे वर्ग के लोग दुखी हैं इस सरकार से और उनका उत्पीड़न हो रहा है, उनके साथ लगातार अन्याय अत्याचार हो रहा है, उससे दुखी होकर के सारे लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ और बहन कुमारी मायावती जी को उत्तर प्रदेश का पांचवी बार मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। आप तो भविष्यवाणी कर रहे हैं मूलचंद गौड़ जी, सवाल उस पर रहिए ना केंद्रित, इस पर लेकर कई चर्चा कर लेंगे। अगर लोग दुखी होंगे तो वो दुख नजर आ जाएगा चुनाव परिणाम में, लेकिन आप जो काम कर रहे हो वही काम समाजवादी पार्टी कर रही है। समाजवादी पार्टी और आगे बढ़कर कह रही है कि हम सभी दलों को आगे बढ़ाना, सभी वर्गों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सभी वर्गों के लिए हम सोच रहे हैं, और बीएसपी कह रही है कि समाजवादी पार्टी नौटंकी कर रही है। आप करें तो ठीक है, दूसरे करें नौटंकी, ऐसा क्यों? मैं समाजवादी पार्टी को नौटंकी उसके कार्यशैली को इसलिए करार देना चाहता हूं कि जब हम लोगों ने माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने निश्चित किया उत्तर प्रदेश में माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के आधार पर इस देश के अंदर राजनीति करना चाहती है और उसके तहत सतीश चंद्र मिश्रा के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में अभी आप देखे होंगे अल्प समय में हमने 6 सम्मेलन घोषित किया, बहुजन समाज पार्टी ने अल्प समय में पूरे उत्तर प्रदेश में केवल 6 अब आप कह रहे हो, हमें थोड़ा ना पता है कब से रणनीति बना रहे थे, अभी अल्प समय कैसे हो गया? ऐसा तो नहीं है कि कल डेट फाइनल हो गए चुनाव की और आपने एक रात रात पे ये सम्मेलन बुला लिया, ये सब प्लानिंग थी ना, ऐसे नहीं होता अल्प समय में। आस्था तिवारी जी, सवाल मेरा आपसे, कांग्रेस ब्राह्मणों को घर का बता रही है लेकिन ब्राह्मण अलग अलग दलों को मौका दे चुकी है, 32 साल कांग्रेस का सूखा उत्तर प्रदेश में, आपके ब्राह्मण है क्या? ब्राह्मण हमेशा से इस देश का एक ऐसा मूल हिस्सा रहा है। आपको जहाँ पता होगा कि उत्तर प्रदेश की जनता का 13% ब्राह्मण समाज से आता है और पिछले जो विधानसभा के चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में उसने लगभग 80% वोट ब्राह्मणों का भारतीय जनता पार्टी को गया, मगर उनको इस वोट प्रतिशत के हिसाब से मिला क्या? उनको मिले फर्जी मुकदमे, उनको उनके प्रति अपराध का प्रतिशत जो था वो भी पिछले कई सालों के मुकाबले बढ़ गया। तो ये समझने वाली बात है कि ब्राह्मणों को मिला क्या इन सरकारों पर भरोसा करके। पिछले 32 साल में अगर आप कहते हैं कि यहाँ पर सरकार नहीं बनी, कांग्रेस के समर्थन में नहीं रहे ब्राह्मण, वो बात बिल्कुल मैं आपकी मानती हूँ, मगर बाकी दलों ने ब्राह्मणों के लिए क्या किया ये सोचने की बात होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने आस्था तिवारी जी 2017 में समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मणों के लिए कुछ किया होगा, तभी तो आप उनके साथ गए थे, या आपको भी लगता है कि समाजवादी पार्टी ने कुछ नहीं किया ब्राह्मणों के साथ? हमने, ये एक पार्टी की रणनीति होती है कि हमें किसके साथ लड़ना है या किसके साथ चुनाव नहीं लड़ना है, तो ये स्ट्रैटेजी एक अलग स्ट्रैटेजी है और हम उस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर डिस्कशन इस चीज का हो रहा है कि ब्राह्मण किसके साथ हैं। तो ब्राह्मण, मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि ब्राह्मणों ने आज तक बहुत मौका दिया है अन्य दलों को, इस बार आने वाले चुनाव में वो कांग्रेस पार्टी के साथ जाने वाले हैं, वो इसलिए क्योंकि इन लोगों के द्वारा हमेशा बरगलाने का काम किया गया है, चाहे सबका साथ और सबका विकास की बात की गई हो और उनका विश्वास हासिल भी किया गया हो, मगर उनको मिला कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप क्या देंगे, इस पर चर्चा करेंगे, और बाकी दल ब्राह्मणों को देंगे क्या? क्योंकि लुभा तो रहे हैं, मना तो रहे हैं, लेकिन ब्राह्मणों के लिए किया क्या और करेंगे क्या, इस पर चर्चा होगी। छोटा सा ब्रेक है, सभी लोग हमारे साथ बने रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है, चर्चा को जारी रखें, लेकिन उससे पहले खबर आ रही है प्रयागराज से, जहां पर गंगा आरती के समय सतीश चंद्र मिश्रा के बैठे रहने का मामला सामने आया है, और ये मामला भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा का ये वीडियो सामने आया है। वीडियो सामने आने के बाद संगम के तीर्थ पुरोहितों ब्राह्मण वर्ग में नाराजगी है। तीर्थ पुरोहितों ने कहा है कि आरती के समय बैठकर उन्होंने ना केवल ब्राह्मण समाज का अपमान किया है बल्कि मां गंगा का भी अपमान किया है, और ऐसा लग रहा है कि वो ब्राह्मणों को सम्मान दिलाने नहीं बल्कि खुद का सम्मान करवाने आए थे। वहीं इस वीडियो को लेकर बीजेपी ने कहा कि जो मां गंगा का सम्मान नहीं कर सकता वो ब्राह्मण समाज का क्या सम्मान करेगा। माँ गंगा की आरती में सतीश चंद्र मिश्रा जी सम्मिलित हुए, पर उन्होंने माँ गंगा का सम्मान नहीं किया, वो आरती में बैठे हुए थे तो ब्राह्मणों के साथ खड़े होकर उनका भी सम्मान बढ़ाना था और माँ गंगा का भी सम्मान बढ़ाना था, लेकिन वो तो लोगों में नाराजगी है, और ये वीडियो जब सामने आ गया है तो इसको लेकर अब सियासत भी हो रही है। मूलचंद गौड़ जी, एक सवाल आपसे, उसके बाद फिर हीरो वाजपेयी आपके पास आएंगे।
ये तो होम करते हाथ जल गया। सतीश चंद्र मिश्रा को ये पता नहीं था कि आरती के समय खड़ा हुआ जाता है, सभी लोग वहां पर खड़े थे, वो बैठे हुए थे। देखिए इस विषय में मैं बहुत सफाई इसलिए नहीं दे सकता कि गंगा आरती का ना तो मैंने कोई वीडियो देखा है और ना मैं वहां पर उपस्थित था। अरे वीडियो मैं आपको भिजवा दूंगा, लेकिन ये तो बताइए कि आरती के समय आप खड़े होते कि नहीं होते? बिल्कुल आरती के समय खड़े होते हैं। तो फिर सतीश चंद्र मिश्रा जी खड़े नहीं हुए, बाकी सारे पुरोहित खड़े हुए थे, आरती हो रही थी, सभी लोग खड़े हुए थे, केवल सतीश चंद्र मिश्रा जी बैठे हुए थे अपने एक साथी के साथ। देखिए सतीश चंद्र मिश्रा जी हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं और गंगा आरती के समय उनको आमंत्रित किया गया था, तो आयोजक की जो व्यवस्था थी आयोजक को उनको बताना चाहिए कि मिश्रा जी आप खड़े हो जाइए। और स्वयं के विवेक पर कोई काम नहीं, वैसे सबको पता चलता है कि ब्राह्मणों का अपमान कहाँ हो रहा है, अत्याचार कहाँ हो रहा है, और बाकी खुद ब्राह्मण होकर ब्राह्मणों के बीच में बैठकर गंगा की आरती को देखना ये पता नहीं रहता है? आप केवल एक बात मेरी सुने ध्यान से, पुरोहित का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग किसी कथा पूजा या धार्मिक अनुष्ठान में जब करते हैं तो सर हमें कौन सी चीज कहाँ पर कैसे क्या करना है वो सारे चीज वहाँ यजमान को पुरोहित। 5 साल का बच्चा भी खड़ा हो जाता है आरती में, अपने घर में बचपन से देखता है, ये तर्क नहीं चलेंगे। खैर लौटूंगा मैं आपके पास, मुद्दे पर वापस आते हैं। हीरो वाजपेयी जी, अब सवाल ये है कि ब्राह्मणों को लेकर दावे तो कई सारे हैं, मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं, बाकी सभी को भी 1-1 मिनट का समय देंगे। आप ये बताइए कि इन सालों में ब्राह्मणों के लिए क्या हुआ और आगे क्या करेंगे, क्यों ब्राह्मण आपको वोट दे या आपको सपोर्ट करें? देखिए मैंने लगातार ये आपसे कहा कि जो एक भारतीय जनता पार्टी का जो विचारधारा है ना, सामूहिकता में सबको लेकर चलने की, सेवा की, परोपकार की, लोक हितकार की, और ये सारे ही विचार ब्राह्मण के शुरू से हैं। ब्राह्मण का मतलब ही ये है कि वो परोपकार करे, लोक हितकार करे, संस्कार संस्कृति धार्मिक अनुष्ठान पूजा पद्धति का ज्ञान दे, और उसको विद्वान माना जाता है। तो लगभग ब्राह्मण का विचार और भाजपा की विचारधारा सेम है, इसलिए ब्राह्मण, और केवल ये कहना कि ब्राह्मण को कोई बरगला लेगा, फुसला लेगा, बहका देगा, कुछ लालच दे देगा, मुझे लगता है ये वोट का आधार नहीं हो सकता। और सर्व समाज की जो कल्पना करेगा उसमें ब्राह्मण का एक महत्वपूर्ण रोल करेगा, उसमें ब्राह्मण का एक महत्वपूर्ण रोल हमेशा से रहा है। जहां ब्राह्मण की संख्या कम हो ज्यादा हो, सर्व समाज के हित की साधना करना उसका काम है, और उसी हित साधना पे वो लगा रहता है, और उसके पास एक सोच है कि कौन इस देश को विकास के पथ पर ले जाएगा, कौन राष्ट्रवादी है, किसका नजरिया ठीक है, कौन लोगों में अच्छा काम ठीक है। समय समाप्त हो गया हीरो वाजपेयी जी, लेकिन आपने सवाल का ये जवाब नहीं दिया कि आपने ब्राह्मणों के लिए क्या किया, सोच से अपनी पार्टी को जोड़ दिया। मैं दोबारा लाऊंगा, दोबारा हो सकता है कि आप कुछ याद करें और बता पाए। हम किसी जातिवादी व्यवस्था पर विश्वास नहीं करते, ठीक है, सभी के लिए काम करते हैं, उसमें सभी जातियों के लोग आते हैं, ठीक है। अनुराग भदौरिया जी 1 मिनट आपको भी देता हूं मैं, समाजवादी पार्टी ने 5 साल में क्या किया और आगे क्या करेगी आप बताइए। देखिए सरकार में तो अभी भारतीय जनता पार्टी है, और समाजवादी के पार्टी का काम तो मैंने डंके की चोट पे गिनाया है, चाहे जनुष में से पार्क हो, हमने बनाया इतना बड़ा पार्क, और डंके की चोट पे 500 एकड़ में कौन पार्क बना देगा, ये कभी नहीं बना पाएंगे, ये तो बातें करते हैं। और मैं इनसे इतना पूछना चाहता हूँ, खुशी दुबे जेल में बंद है, उसके पति ने अगर अपराधी है उसको सजा मिली, पत्नी की 7 दिन की शादी हुई है उसको जेल में बंद कर रखा है, किस गुनाह में भाई, किस गुनाह में वो बच्ची बंद है, जरा ये बता दीजिए, क्यों नहीं उसको आप रिहा करवाते? और इसी तरह से आपने विवेक तिवारी को गोली मार के हत्या की, क्यों भाई? आखिर उत्तर प्रदेश के अंदर में जंगल राज क्यों, महिलाओं के साथ, महिलाओं की बात करने वाले महिलाओं के साथ अन्याय क्यों हो रहा है लगातार? मैं ये भी तो जानना चाहता हूँ ना, क्यों इतना अन्याय हो रहा है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये बता नहीं पा रही कि उत्तर प्रदेश के अंदर में लगातार महिलाओं का चीरहरण क्यों हो रहा है, क्यों सरेआम महिलाओं का चीरहरण हो रहा है, क्यों यहाँ हाथरस जैसी घटनाएं हो रही है, क्यों यहाँ पे उन्नाव जैसी घटना हो रही है, क्यों लखनऊ के अंदर में आत्मदाह करना पड़ता है महिलाओं को न्याय मांगने के लिए? और बार बार मैं कह रहा हूँ, ठीक है, महिला का सम्मान करना चाहते हैं तो खुशी दुबे को रिलीज कीजिए, क्योंकि समय समाप्त हो गया है। और अनुराग भदौरिया जी, आपको बीच में इंटरप्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि खुशी दुबे को लेकर कोर्ट ने अभी टिप्पणी की कि बराबर की भागीदारी है, आपको अगर कोर्ट पर विश्वास नहीं है तो आप उस पर आपत्ति जता रहे हैं, तो ये आप देख रहे हैं। मैं लौटूंगा आपके पास भी। और राहुल त्रिपाठी जी, अब सवाल मेरा आपसे, आपने देखा अभी, आपने सुना होगा कि जब मैंने सवाल पूछा क्या हुआ ब्राह्मणों के लिए, तो एक पार्क आया समाजवादी पार्टी की तरफ से और बीजेपी की तरफ से तर्क आया कि हम सभी वर्गों का कल्याण करते हैं, हमारी पार्टी और ब्राह्मण की सोच एक जैसी है। ब्राह्मण क्या सोचता है त्रिपाठी जी?
उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा नमस्कार, सभी को जय परशुराम जी। बोलिए। अभी तक राजनीतिक पार्टियों के लिए जो ब्राह्मण अछूत समझा जाता था, ब्राह्मण का नाम लेने में ब्राह्मण को ये लोग उसको अछूत समझ करके उसको कहीं स्थान नहीं देते थे, आज इनके लिए ब्राह्मण वोट बैंक के रूप में सामने आ गया है। अब इनको ब्राह्मण वोट बैंक के रूप में सभी पार्टियों को दिख रहा है। सपा बसपा भाजपा कांग्रेस की स्थिति बता रहा हूं आपको। अभी मैं सुन रहा था, आपने बताया सचिन मिश्रा जी वहां पे आरती में गए और उन्होंने वो खड़े नहीं हुए। वो कैसे खड़े होते, वो तो मायावती जी के सामने खड़े होने की आदत है ना उनकी, तो आरती में खड़े होने की आदत ही नहीं है, समस्या ये है। दूसरी बात आ जाइए, ब्राह्मण ये सोच रहा है कि ब्राह्मण विगत 20-15 वर्षों से, आज 5 वर्षों से नहीं 15 वर्षों से तिरस्कृत है, हर प्रकार हर एक की सरकार में तिरस्कृत रहा है, चाहे वो सपा की सरकार रही हो, चाहे बसपा की सरकार रही हो, चाहे वो भाजपा की करंट सरकार है। किसी भी वर्ग ने ब्राह्मण का वोट लेने के पश्चात उनको उचित स्थान उचित सम्मान नहीं दिया, 2-4 मंत्री बना करके संपूर्ण ब्राह्मण समाज का कल्याण सोच के बैठ गए, पहली बात। दूसरी बात, ये आज जो हो रहा है सपा वोट बैंक के लिए परशुराम जी को पकड़ की प्रतिमा स्थापित कर रही है, फोटो डाल ली है, बसपा को मायावती जी को ब्राह्मण सम्मेलन याद आ रहा है। जो ब्राह्मण सम्मेलन का आज फोटो वायरल हुआ है जिसमें कहीं परशुराम जी का चित्र तक नहीं है, वो ब्राह्मण सम्मेलन कराया जा रहा है। तो राहुल त्रिपाठी, कल एक फोटो राहुल त्रिपाठी जी, सवाल यही है जी, तो ब्राह्मण क्या सिर्फ वोट बैंक बनकर रह जाएगा? ब्राह्मण चाहता क्या है, सम्मान के अलावा और क्या चाहता है ब्राह्मण? क्योंकि सभी दल ये ताल ठोक कर कहते हैं कि हमने सबसे ज्यादा सम्मान दिया जी। आपने एक कहावत सुनी होगी कि ब्राह्मण घुटने के नीचे कमजोर होता है, ब्राह्मण आज से नहीं आदिकाल से सम्मान चाहता है, ब्राह्मण ने कभी पद नहीं चाहा, अगर सम्मान चाहता है ब्राह्मण, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहता है, और सम्मान इसको किसी भी सरकार, तो ब्राह्मण है किस तरफ राहुल त्रिपाठी जी? क्योंकि सभी दल दावे कर रहे हैं कि ब्राह्मण हमारी तरफ है, ब्राह्मण हमारे हैं, ब्राह्मण समाजवादी पार्टी बता रही हमारे हैं, कांग्रेस बीजेपी और बीएसपी बता रही हमारे हैं, ब्राह्मण है किस तरफ? 2017 से अब तक लगभग 900 से 1000 ब्राह्मण हत्याएं हुई हैं। किसी भी हत्या पर कोई भी पक्ष, छोड़िए विपक्ष का नेता भी आंसू बहाने नहीं गया है। आज खुशी दुबे के लिए ये लोग बोल रहे हैं, सर्वप्रथम अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रहा, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजेंद्र त्रिपाठी उस खुशी दुबे के घर पर गए हैं और सर्वप्रथम हम लोगों ने उसकी आर्थिक सामाजिक हर तरह की कोर्ट से लेकर हर तरह की मदद की है। राहुल त्रिपाठी जी, खुशी दुबे एक अपराध से जुड़ी हुई मामले में अभी जेल में बंद है, हाईकोर्ट में मामला है, हाईकोर्ट भी कह रहा है कि इतने बड़े मामले में सहयोगी है, जांच पड़ताल जारी है, आपको लगता है खुशी दुबे का सपोर्ट पाकर ब्राह्मणों को सम्मान मिल जाएगा? ना, बिल्कुल नहीं। विष्णु तिवारी SC ST एक्ट में 20 वर्ष की जेल काटकर आए हैं, आप लोगों ने प्रमुखता से मुद्दा उठाया था, 20 वर्ष बाद निर्दोष साबित हुए हैं, उठाया था 20 वर्ष बाद वही चार्जशीट फर्जी निकली, हाई कोर्ट में उनको बाइज्जत बरी किया, तो उन पर भी किसी दरोगा ने चार्जशीट लगाई होगी। आज जैसे खुशी दुबे पर चार्जशीट लगा दी गई, आप केस जारी पड़ी है, उसमें इकबालिया बयान है, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक 10 सेकंड में कंक्लूड करिए त्रिपाठी जी, तो फिर किससे उम्मीद की जाए, ब्राह्मण समाज किसकी तरफ उम्मीद करे कि उसको वो सब कुछ जो चाहिए वो कौन सा दल दे सकता है? ब्राह्मण वर्ग बहुत बुद्धिमान वर्ग है, आज वो देख रहा है कि प्रत्येक दल लालायित होकर 17% ब्राह्मण वोट के लिए खड़े हैं, ब्राह्मण बुद्धिमान है और वो समय आने पर अपने मत का प्रयोग ब्राह्मण हित चिंतक के पक्ष में करेगा, ब्राह्मण अभी अपनी मुट्ठी कतई ही नहीं खोलेगा। ठीक है, आस्था तिवारी जी, सवाल मेरा आपसे, कांग्रेस ने 2 दिन पहले प्रजापति सम्मेलन बुलाया, आप भी जातिगत सम्मेलन बुला रहे हैं, अच्छी बात है अगर आपको लगता है कि सम्मेलन से वो समाज के प्रतिनिधित्व की बात सामने आती है और चुनाव में उस बात को उठाया जाता है, मुद्दा बनाया जाता है, तो अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये है कि जनता ये भी देखती है कि आपको इन सारे वर्गों की याद आती है चुनावों के समय, इससे पहले आपने कब प्रजापति सम्मेलन बुला लिया, इससे पहले आपने कब ब्राह्मणों को एक करने की बात कह ली या ब्राह्मणों को लेकर सम्मेलन बुला लिया, किसी और दूसरे वर्ग जाति का ध्यान रखा, ये चुनावों के समय क्यों? आस्था तिवारी जी, देखिए ये जो सम्मेलन है ये कुछ काफी समय पहले से प्लान हो रहा था मगर नहीं हो पाया था क्योंकि गाइडलाइंस का कुछ इश्यू हो रहा था, उसके बाद ये फाइनली डिसाइड हुआ कि हाँ अभी करना है। खैर ये चुनावों की बात नहीं है हमारे लिए क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले 32 साल से यहाँ पर सरकार में नहीं है हम लोग,
और हमारे हमने आपको इससे पहले भी जब हमने आपसे बात करी तो हमने आपको ये चीज कही कि कांग्रेस नहीं है ऐसी पार्टी है जिसने अब तक के सबसे ज्यादा ब्राह्मण मुख्यमंत्री चेहरे प्रदेश को दिए हैं, 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री चेहरे, मैं आपको नाम समेत बता सकती हूँ, पता है सबको, आप नाम बताइए। लेकिन जब ब्राह्मण चेहरे दिए तो फिर ब्राह्मणों का भरोसा क्यों नहीं काबिल हो पाया? और अब दूसरा सवाल यही है कि फिर से कुछ ऐसा किया जाएगा, ब्राह्मण आपको वोट क्यों देगा? मैं समझना ये चाह रहा हूं, ब्राह्मण आप अपना बताते हो, अपने परिवार का बताते हो, क्यों है ब्राह्मण आपके परिवार का, कैसे आपको पता चलता है? देखिए ब्राह्मण हमारे परिवार का है ये तो आपने देख ही लिया क्योंकि हमने आपको हिस्ट्री बता दी। ठीक, अब मैं आपको बताती हूँ कि ब्राह्मणों को, जैसे कि मायावती जी ने दलित सम्मेलन की बात करी, ठीक, आज ही उनके महासचिव जी का एक वीडियो वायरल हो गया और पता चला कि उनका क्या मेन स्ट्रेटेजी है, वो सिर्फ बरगराने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी पे भी हमेशा से ये आरोप लगता रहा है कि वो एक दल की, एक जाति की राजनीति करती है, मगर वो सिर्फ ब्राह्मण को बरगराने के लिए उनको भी चुनाव के समय पर याद आरोप लगाने वाले कौन है, यही राजनीतिक दल है? जब आप कभी एक साथ हो जाते हो कभी अलग अलग हो जाते हो, आरोप लगाने वाले, ठीक है आस्था जी आप कंप्लीट करिए, लगाने वाले जनता के लोग हैं, आरोप लगाने वाले आप लोग हैं। अच्छा, हम लोग आरोप लगाते हैं। आरोप सुनकर बता रहे हो ना कि बिल्कुल आप लोग लगाते हो, ठीक है, मैं तो आरोप जो सुने हैं मैं आपको वही बता रही हूँ कि उन पर भी यह आरोप लगता है कि इन्होंने एक जाति के लिए सिर्फ राजनीति करी है। और भारतीय जनता पार्टी के राज में जैसे कि अभी त्रिपाठी जी बता ही रहे थे कि 900 से ज्यादा हत्याएं ब्राह्मणों की हुई है 2017 से, ठीक है, तो ब्राह्मणों को यही मिला है कि उनके प्रति अपराध रेट, ठीक है। राहुल त्रिपाठी जी आप 10 सेकंड में जवाब दीजिए, उसके बाद विजय उपाध्याय जी आपके पास आऊंगा और फिर अनुराग भदौरिया जी। जिस, अभी मैं कांग्रेस की बहन की बात सुन रहा था, जिस दल ने तुष्टिकरण की राजनीति की, ब्राह्मण ने उसका साथ छोड़ दिया, ब्राह्मण कांग्रेस से गया कांग्रेस गई, ब्राह्मण सपा से गया सपा गई, ब्राह्मण बसपा से गया बसपा गई, अब ब्राह्मण भाजपा से जाएगा भाजपा जाएगी। ये तो आप भविष्यवाणी कर रहे हैं, राजनीति जिस दल ने की ब्राह्मण ने उसका साथ छोड़ दिया। ये तो आपने स्टैंड क्लियर कर दिया कि ब्राह्मण बीजेपी के साथ नहीं है, तो हीरो वाजपेयी जी चिंता बढ़ गई है? नहीं, ये तो स्टैंड क्लियर है, ये स्टैंड क्लियर है, ब्राह्मण भाजपा के साथ नहीं है, कतई चिंता नहीं है। जिस तुष्टिकरण की बात ये कह रहे हैं, 1000 ब्राह्मण हत्याएं हुई है, एक भी मंत्री एक भी विधायक झांकने नहीं गया है, एक भी विधायक, विजय उपाध्याय जी, विजय उपाध्याय जी से लेकर के, जो विजय उपाध्याय जी, इतनी सारी घटनाओं का जिक्र आप सुन रहे होंगे और आपने देखा भी होगा, मंत्री का ना जाना या विपक्ष के नेताओं का ना जाना, ये क्या ब्राह्मण का सम्मान हो भी सकता है? लेकिन उस वर्ग का विकास इससे जुड़ा हुआ है क्या? और यही मांगे ब्राह्मणों की? बस दरअसल अभी आप सभी लोगों से पूछ रहे थे ना कि ब्राह्मणों को क्या चाहिए, तो मुझे लगता है कि जो पार्टी सबसे अच्छा पैकेज देगी ब्राह्मणों के लिए कि रोजगार के लिए क्या करेगी, उनको स्वरोजगार के लिए क्या करेगी, क्योंकि ब्राह्मणों में गरीबी बहुत है और जो पढ़ लिख कर नौकरियों में है या संपन्न हो गए हैं उनको तो छोड़ दीजिए, लेकिन बाकी 60% ब्राह्मण, तो जो ब्राह्मणों की कुल आबादी है उसका 60% तो बहुत ही दुर्दशा में है। अगर कोई सच्चर कमेटी टाइप की रिपोर्ट ब्राह्मणों के लिए बनेगी तो निश्चित तौर पे ये सच्चाई सामने आ जाएगी कि चूंकि परंपरागत इनका जो काम रहा है वो उस काम में जमीन या बिजनेस कभी नहीं था, तो जमीन और बिजनेस ना होने की वजह से रोजगार ही एक साधन है, तो अब रोजगार के लिए क्या तरीके हो सकते हैं, क्योंकि सरकारी नौकरियां है नहीं। उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने की कोशिश मौजूदा सरकार कर रही है लेकिन उसके रिजल्ट आने में भी टाइम लगेगा। एमएसएमई में जो रोजगार मिलता है वो रोजगार, उस रोजगार में ब्राह्मण समुदाय सबसे कम जाता है क्योंकि तकनीकी तौर पे या स्किल के कामों में ये थोड़ा पीछे रहता है जहाँ हुनर का काम होता है। तो ब्राह्मण समुदाय को रोजगार देने की, उनके बच्चों को, नई पीढ़ी को किस तरीके से सही रास्ते पे ले जाना है, शिक्षा में जो गरीब ब्राह्मण है, यानी कुछ पैकेज होना चाहिए। तो अनुराग भदौरिया जी, मुझे लगता है क्या हम ये उम्मीद करें पैकेज देगी? हाँ, अनुराग भदौरिया जी, उसकी तरफ ब्राह्मण ज्यादा आकर्षित होगा। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी, क्या उम्मीद की जाए कि आप सभी वर्गों को तो साथ लेकर चलते हैं, समाजवादी पार्टी ये दावा करती है, लेकिन एक स्तर सुधारने के लिए ब्राह्मणों का, इसका जिक्र विजय उपाध्याय जी कर रहे हैं, आप पता नहीं उनसे सहमत है या नहीं है, लेकिन उसकी जरूरत तो महसूस हो रही है उत्तर प्रदेश में। देखिए उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है कोई वर्ग इनसे खुश नहीं है, इन्होंने हर वर्ग के साथ अन्याय किया है। ये वो लोग हैं जो पूरे समाज को धोखा देके अपनी राजनीति चला रहे हैं, झूठ और जुमलेबाजी पे। जिस तरह से कोविड काल में आपने देखा किस तरह से लोगों की मौतें हुई,
और इस सरकार कहती है कि एक आदमी की मौत नहीं हुई। मैं पूछना चाहता हूं कौन सा ऐसा परिवार है, कौन सा ऐसा घर है, कौन सा ऐसा गांव है, कौन सा ऐसा कस्बा है, कौन सा ऐसा जिला है, कौन सा ऐसा शहर है जहां पे लोगों की मौतें ना हुई हो। और ये सरकार अपनी डाटा नहीं दे पा रही है, कह रही नहीं यहाँ तुम्हें ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत हुई नहीं। तो जो सरकार इतना कोरा झूठ बोलती हो, जहां हाहाकार मचा हो, जहां माँ अपनी बेटियां अपनी माँ को बचाने के लिए मुंह से मुंह मिला के ऑक्सीजन दे रही हो, जहां पत्नी अपने पति को बचाने के लिए मुंह से मुंह लगा के ऑक्सीजन देने की कोशिश कर रही हो, पीपल पेड़ के नीचे लोग बदहाश बैठ रहे थे शायद ऑक्सीजन मिल जाए, हॉस्पिटलों में किस तरह से मौतें हो रही थी, गंगा की नदियों में किस तरह से लाशें तैर रही थी, नदियों के किनारे लाशों किस तरह जानवर नोच रहे थे, और किस तरह शमशान घाट में जगह नहीं थी लाश जलाने के लिए, लकड़ियां कम पड़ गई थी, और सरकार साफ कोरा झूठ बोल रही है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं अनिल भदौरिया जी, चर्चा समाप्त करते हैं, उससे पहले हीरो वाजपेयी जी जवाब दीजिए और फिर चर्चा समाप्त। पार्टी सरकार करेगी तो 2022 में तो इनकी तो सरकार जानी है। ठीक है, सपा और बसपा का जो ब्राह्मण प्रेम दिख रहा है, और मुझे लगता है ब्राह्मण का बहुत बहुत पहले ही इन्हें जान लेना चाहिए था, जब गेस्ट हाउस कांड हुआ था और मायावती जी और सपा के गुटों के बीच में एक ब्राह्मण दीवार बन के खड़ा हो गया था, इतनी बात से उनकी भ्रष्टता दूर हुई। भारतीय जनता पार्टी का 2022 तो बसपा को भी ब्राह्मण का महत्व तो पता है और सपा को भी ब्राह्मण का महत्व पता है कि ब्राह्मण क्या कार्य करता है समाज के लिए, और वो समाज से बाहर होकर ब्राह्मण है। मुझे ठीक है, 5 सेकंड में राहुल त्रिपाठी जी एक आखिरी सवाल, क्योंकि मामला ब्राह्मण से जुड़ा हुआ है और आप अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। 10 सेकंड में अनुराग भदौरिया जी, अब शांत हो जाइए। त्रिपाठी जी बोलिए, 10 सेकंड बात कंप्लीट करिए, फिर चर्चा खत्म। देखिए 2014 से लेकर 17 में लोकसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश के चुनाव में ब्राह्मण हिंदुत्व के नाम पर और सनातन धर्म के नाम पर भाजपा के साथ आया। हिंदुत्व का प्राण होता है ब्राह्मण, हिंदुत्व की परिभाषा ब्राह्मण ने बताई, हिंदुत्व के नाम पर भाजपा के साथ ब्राह्मण आया। लेकिन आज नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री जी संसद में खड़े होकर अपनी जाति बताते हैं, जो हिंदुत्व के अपमान है। जब हिंदुत्व में सारी जातियां एक समान हैं, तो आप अपनी जाति का उखान नहीं कर सकते। ठीक है त्रिपाठी जी, बहुत धन्यवाद आपका, समय समाप्त हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। लेकिन अब ब्राह्मण जिस पर सियासी डोरे डाले जा रहे हैं, मनाया जा रहा है, रिझाया जा रहा है, लुभाया जा रहा है, उस ब्राह्मण को तय करना है कि उसके वर्ग उसके समाज के लिए यदि किसी ने कुछ किया है या कुछ कोई कर सकता है तो उसको सोचना है। और सिर्फ एक वर्ग एक समाज की बात नहीं है, जातिगत राजनीति से ऊपर उठकर विकास के बारे में भी सोचकर वोट होना है, और यही कुछ होने की संभावना भी है। छोटा सा ब्रेक है, यूपी मांगे उत्तर में इतना ही।